सो महाराज बड़ा सुंदर स्वागत की तैयारी की। एक क्षण के लिए कल्पना करो, संसार में क्या सामान्य संसारी के जीवन में भी ऐसा संभव है? अभी तक कैकई के पति अवधेश महाराज दशरथ के शरीर का दाह कर्म नहीं हुआ, अंतिम कर्म नहीं हुआ, अभी तक भी शव राजभवन में है। और जब सुना कैकई ने कि पुत्र भरत आ रहा है तो बड़ा सुंदर स्वागत की तैयारी की। क्या उस भवन में कोई मंगल हो सकता है जिसमें शव ही रखा हो, जिसमें अभी अभी मृत्यु हुई है अवधेश की? लेकिन गोस्वामी जी का भाव है, जिसके जीवन में स्वार्थ बड़ा हो जाता है वहां संबंध छोटे हो जाते हैं, वहां सब जो शिष्टाचार है वो खत्म हो जाते हैं, मर्यादाएं टूट जाती हैं। और आज कैकई के जीवन में मंथरा की संगति से जो स्वार्थ पैदा हुआ वो बढ़ गया। आरती का थाल लेकर के भरत के लिए आरती सजा कर लाई, दरवाजे पर भरत की आरती कर दी। भरत ने देखा पूरी अयोध्या में एकमात्र कैकई और मंथरा के अलावा कोई और प्रसन्न चेहरा नजर नहीं आया पूरी अवधि। भरत ने धीरे से पूछ लिया, माँ क्या हुआ है अवध में? मेरे भगवान राम कहाँ हैं? अन्य माताएं कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? और जब प्रश्न पर प्रश्न किया भरत ने तो कैकई एक क्षण के लिए मौन हुई। काहू कहाँ तात कहाँ सब ने प्रश्न किए कि सब लोग कहाँ हैं? कैकई बोली, भरत भवन में आओ, सब बताती हूँ। भरत जी ने कहा, माँ भवन में तो मैं तब जाऊंगा पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर मिले। मैंने इससे पहले अयोध्या को इतना निराश हताश कभी नहीं देखा, केवल आपके अलावा अवध में कोई प्रसन्न नहीं है। केवल आपको पता था मैं आने वाला हूँ या सबको पता था? सबको पता था तो मेरी माताएं मुझे मिलने क्यों नहीं आई, पिताजी मुझे मिले क्यों नहीं, मेरे भगवान श्री राम वो तो सबसे पहले मुझे मिलने के लिए आते, मेरे भगवान कहाँ हैं? और जब प्रश्न किया तो कैकई ने थोड़ा सा उदास चेहरा बनाते हुए कह दिया, भरत सब कुछ बिगड़ने वाला था पर मैंने आज सब बना लिया। क्या बनाया? तो कैकई अब बोले है, तात बात मैं सकल संवारी, मैंने पूरी बात संभाल ली। क्या बिगड़ने वाला था और क्या बनाया? तो कैकई बोली, ये सारा सिंहासन, ये राजपाट, ये धन, ये वैभव, ये सब कुछ राम को मिलने वाला था, लेकिन मैंने अवधेश से दो वरदान मांगे और उसमें प्रथम वरदान में ही मैंने आपके लिए अयोध्या का सिंहासन मांग लिया। अवधेश इस बात को सहन नहीं कर पाए और आपके पिता महाराज दशरथ का असमय अवसान हो गया।